हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जिस भी पर्सन से बातें कर रहे थे, ठीक है, उस पर्सन ने क्या कहा आपके इस रिश्ते के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, या आपकी सारी जो है बातें सुनकर जो भी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ है या उनको जो रियलाइजेशन हुआ है उसके अनुसार से उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये हम देखने वाले हैं आज के अपनी इस रीडिंग में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और ये रीडिंग एक पिक अ कार्ड रीडिंग कर रहे हैं हम। पिक अ कार्ड रीडिंग जिनको नहीं पता है क्या होता है तो मैं उनको बता दूं कि दो पाइल हम निकालेंगे, यानी कि दो कार्ड्स निकालेंगे, पाइल वन पाइल टू, जिसमें से कोई एक कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं या फिर आप दोनों ही कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं। जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसके कलर्स काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी पिक्चर्स काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं आपको, उस कार्ड के तरफ जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। नीचे टाइमलाइन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमलाइन दिया रहेगा, आप लोग वहां से डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। बाकी हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या डिवाइन गाइड करते हैं दो पाइल के लिए, ठीक है, पाइल वन पाइल टू के लिए, ठीक है। तो क्या कार्ड्स निकल के आते हैं देखते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट पाइल है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सेकेंड पाइल है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सो पाइल वन पाइल टू आपके लिए कार्ड निकल आए हैं। अब हम देखेंगे, इसमें मैं कार्ड आपको दिखा देती हूँ। ये है पाइल वन, ये कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल वन के साथ जा सकते हैं। और अगर ये कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसके कलर्स काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, तो आप इस पाइल के साथ जा सकते हैं, पाइल टू है ये। ओके, सो चलिए रीडिंग करते हैं पाइल वन के साथ पहले, उसके बाद पाइल टू की रीडिंग करेंगे। तो पाइल नंबर वन आपकी रीडिंग को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर वन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है, आप लोगों ने जो चूज़ किया है कार्ड वो ये कार्ड है, ठीक है, पाइल वन आप लोगों के लिए ये कार्ड निकल के आया है। तो आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है तो इसका मीनिंग क्या है, मैं आपके सिचुएशन के अनुसार से आपको बता रही हूँ। सो जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कार्ड के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच में। देखो, जो भी हुआ है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, पहले से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो। अब आप चीज़ों को जानना स्टार्ट कर चुके हो, लोगों को पहचानना स्टार्ट कर चुके हो, लोगों की इंटेंशन को पहचान रहे हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हो पहले से। अब ऐसा हो चुका है कि भाई आपने धोखा तो खा लिया है, अब जो है बार बार आप धोखे खाते रहोगे ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, इसलिए आपने अपने आप को बदला है, बहुत बदला है आपने, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव किया है। पहले आप बहुत ज़्यादा जो है सोचते थे, बहुत जो है रूड बिहेवियर आपका रहा होगा, लेकिन अब जो है मुझे ऐसा फील होता है कि अब जो है आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, फनी हो चुके हो, स्ट्रांग बन चुके हो, आप सही और गलत का डिसीज़न ले रहे हो खुद, ठीक है। आपको पहले किसी और की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब जो है आप खुद जो है डिसीज़न लेने लगे हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहते हो, ओपन माइंडेड होकर के सोच विचार कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप जो है अपने जो पेन है, जो तकलीफ है ना, उसको आप भरने की कोशिश कर रहे हो। एक सिंगल मदर हो सकते हो या एक ऐसी पर्सन हो सकते हो जिसने ज़िंदगी फिर से जीने की शुरुआत कर दी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप काफ़ी चीज़ों को लेकर के काफ़ी स्ट्रांग वे में
है ना, स्ट्रांग में वे में ये स्टैंड लेने लगे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ऑनेस्टी को पसंद करते हो और काफ़ी ऑनेस्ट रहते भी हो लोगों के साथ। लेकिन मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि कुछ लोग आपको बहुत मैनिपुलेट करते थे पहले। रिलेशनशिप में आपको बहुत मैनिपुलेट किया गया, बहुत चीज़ें आपसे छुपाई गई, बहुत कुछ आपके साथ गेम खेला गया। लेकिन अब जो है, अब आपके साथ हो चुका है कि नहीं, अब आपने जो है ना बातों से समझना स्टार्ट कर दिया है लोगों को कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है, ये आप समझने लगे हो। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सो ये एनर्जी आपकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, तो चलिए पाइल वन आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर वन रीडिंग में क्या निकल के आता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन प्लीज हमें बताएं क्या कार्ड्स बताते हैं, हमें क्या बात कर रहे थे आज की शाम वो। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सेकंड कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पाइल भी तो है। पाइल वन प्लीज मुझे गाइड करें, पाइल वन के लिए इनके पार्टनर आज शाम क्या बातें कर रहे थे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ है मेरे पास टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो यस, मुझे क्या कार्ड बता रहे हैं, सो मुझे ये एनर्जी बता रहे हैं आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी मैं बता दूँ तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि देखिए इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर जिस तरीके से बातें कर रहे थे, सबसे पहले तो ये पर्सन कुछ इस तरीके की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत परेशान हैं, अपनी स्थिति को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार क्या कहूँ तुमसे दिल की बातें, क्या कहूँ तुमसे अपने मन की बातें, शायद मेरे मन की बातें हर कोई नहीं समझ सकता है, हर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मेरा जो चेहरा तुम लोग देखते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ सही कर रहा हूँ, तुम लोग ये सोचते हो तो तुम लोग गलत हो यार। मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से घुटन महसूस कर रहा हूँ, अपने आप की खुशियाँ मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, कैसे किन चीज़ों को जो है संभाल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात कोई नहीं समझ सकता है। मैं बहुत ज़्यादा ही अकेलापन फील कर रहा हूँ, क्या कहूँ तुमसे, मैं बहुत ज़्यादा खालीपन फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर का जो मन है ना वो बहुत भारी हो चुका है। ठीक है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है ना, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जो भी हुआ है, जो भी हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अंदर से वीक फील कर रहा हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ अपनी बातों से या लोगों की बातें सुन करके, मैं खुद को ब्लेम करने लगा हूँ, मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें जो करी है ना वो सब कुछ बेकार गई है ना, मेरे ऊपर ही जब ब्लेम आ रहा है तो सारी चीज़ें बेकार ही हैं, है ना, सारी चीज़ें बेकार ही हैं, और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप की खुशियाँ भी गंवाई हैं। किसी को भरोसा नहीं होगा लेकिन मैंने अपनी खुशियाँ भी गंवाई हैं। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
बहुत परेशान हूँ, ठीक है, क्योंकि ये परेशानी मेरे अंदर से निकल नहीं रही है, जो दर्द है मेरे अंदर से निकल नहीं रहा है। बार बार मुझे जो है ना जो एनर्जी है, गिल्ट वाली एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा कर्मा बहुत ज़्यादा हैवी है, मेरा कर्मा बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुछ डिसीजन लूँ, मैं कुछ बातें करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें कहूँ जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं इस तरीके की चीज़ें करूं, ठीक है। मैं बहुत अंदर से परेशान हूं, अंदर से मैं बहुत दुखी हूं, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी सा मन लिए हुए बैठा हूं। मेरा मन बहुत दुखी है, मेरे मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना घूम रही हैं। मैं कहीं ना कहीं अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में गुजर रहा हूँ, मैं क्या कहूँ, ठीक है। मेरा जो मैं क्या कहूँ, लोगों ने इतना गॉसिप किया, इतना गॉसिप किया मेरे पोर्शन के बारे में, इतना कुछ मुझे सुनाया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरी सोशल लाइफ ख़राब हो रही थी, मेरा मतलब हर एक जगह से मुझे जो है ना तकलीफ़ मिली थी, हर एक जगह से मुझे दर्द मिला था। हर एक चीज़ मैंने कैंसिल कर दी, मैंने पार्टी में जाना कैंसिल कर दिया, दोस्तों के साथ एंजॉय करना कैंसिल कर दिया, लोगों से बातें करना तक मैंने बंद कर दिया। इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो तकलीफ़, वो दर्द मुझे फील हुआ ना कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है। मेरे अंदर का जो मन है वो मुझे बार 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 याद दिला रहा था कि तेरे साथ हुआ क्या है, ठीक है। मैं तो रियूनियन चाहता था, मैं तो सेलिब्रेट करना चाहता था, मैं अभी भी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मैं रियूनियन अभी भी चाहता हूँ कि उसके साथ मेरा रियूनियन हो जाए ना, तो परफेक्ट होगा, परफेक्ट होगा। मैं हर एक तरीके से जो है ना चीज़ों को समझ पाऊँगा, जान पाऊँगा, ठीक है ना। मैं उसे शादी जो है ना करना चाहता हूँ, मैं उसे आगे की तरफ देखना चाहता हूँ। मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा रूड नेचर की है, या रूड नेचर का है, लेकिन क्या करूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि ठीक है ना, जो जैसा है वैसा होना ही चाहिए, ठीक है ना। मुझे ना बहुत ज़्यादा ही अंदर से ये लगता था कि अब चीज़ें सही हो जाएंगी, अब जो है चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन जब देखा तब उसका ईगो दिखा। मुझे पता नहीं क्यों उसका ईगो ज़्यादा दिखता है, हो सकता है कोई कारण हो, बट मुझे उसका ईगो ज़्यादा दिखता है मेरे अंदर। मैंने उसे जानने की कोशिश करी है, ठीक है, मैंने उसे देखा है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग डिसीजंस लेने लगी है या लेने लगा है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है उसमें बहुत बदलाव आया है, और ये सारे बदलाव कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। सारी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ यार, कि उसका बदलता हुआ ये चेहरा और ये सारी चीज़ें जो उसने मतलब बिखेर के रख दी हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं भी कहीं ना कहीं दंग रह गया हूँ उसकी इस एनर्जी से, क्योंकि वो पहले ऐसे नहीं थी, ठीक है, या ऐसा नहीं था। अब जो उसमें चेंजेस आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान मेरा आकर्षित कर रहे हैं उसके तरफ, क्या ही कहूँ। मेरा मन करता है कि मैं भाग के जाऊँ उसके तरफ, मेरा मन करता है कि मैं उसकी तरफ जाऊं, उसकी तरफ जो है ना मैं जाऊं, उससे बात करूं, मुझे उससे बात करने का होता है। मेरा मन काफ़ी करता है कि मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, मुझे बात करके सारे मैटर को जो है ना क्लोज़ करना है, ठीक है। मैं बहुत बड़ा चेंज लेके आना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में बस अपॉर्चुनिटी आ जाए, मैं फटाक से चेंज कर दूंगा। मुझे जो है ना डायरेक्ट अब जो है ना मैसेज करना है उसको, मैंने तो यही सोच रखा है। मैं अब हीरो की तरह एकदम से ठाट बाट से सूट वूट करके एकदम से मैं जाऊंगा और उसके साथ ही जाऊंगा। मुझे किसी और का साथ तो नहीं अभी चाहिए, लेकिन हाँ, मैंने ये सोचा ज़रूर है कि मैं उसके साथ जो है ना जाना चाहता हूँ, उसके प्यार में है ना गोते लगाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने मिस कर दी, मेरी गलती की वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ, लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। इस रिश्ते के ऊपर भी ध्यान देने वाला हूँ और अपने करियर के ऊपर भी ध्यान देने वाला हूँ, थोड़ा करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। मेरा मन है कि मैं अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ, मेरा मन है कि अपने करियर को मैं ज़्यादा सोचूँ, समझूँ, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखूँ, फील करूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे लगता है कि ज़रूरी है और ज़रूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, हर एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। सो मैं तो उसके तरफ जो है ना जाना चाहता हूँ, उसके तरफ जो है ना बातें करना चाहता हूँ, ठीक है।
मेरा ध्यान उसके तरफ ही है। मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन बस यही चाहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका सलूशन हो जाए, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और हम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए, क्योंकि मैं जो है अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये दूरी, ये प्रॉब्लम्स कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, ये बर्दाश्त करने वाली बातें नहीं हो सकता ना मुझसे, नहीं हो पाएगा ना मुझसे। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन नहीं समझ पाता। लाइफ में मेरे क्या चल रहा है मुझे खुद को आइडिया नहीं लगता। टू ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें अटपटी सी लगती हैं, बहुत अटपटा सा लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, है ना। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब पाता हूँ कभी कभी। लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी सच में यही थी या फिर कुछ और थी, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ट्स मुझे मुझे लगता है कि मैं स्टैंड कर सकता हूँ, मैं अपने आप के साथ स्टैंड कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने आप के साथ जो है ना चीज़ों को रख सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। मैनेजेबल है ही नहीं कुछ चीज़ें, क्या करूं। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूं उसके आने का, उसके बात करने का, उसके कॉल का, मैसेज का इंतज़ार मैं कर रहा हूं। देखते हैं क्या होता है और क्या है ना। चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो क्या कहते हैं। आपके पार्टनर ने बहुत सारी आज बातें करी हैं, अपने मन की जो भड़ास है वो निकाली है। ये क्या कहते हैं। सबसे पहले टावर की एनर्जी आई है। क्या कह रहे हैं इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं। वो चैरियट की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस, एंड है मेरे पास टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यही फील हो रहा है कि आपकी जो पार्टनर हैं, देखिए सॉरी, ये जो दोस्त हैं इनके, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि तेरा तो नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है अभी फिलहाल, है ना। तेरी बातों से यही मुझे समझ में आया है कि तेरा नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, तेरी बातें तो बिल्कुल नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहले जो ये चेंजेस आए हैं, जो एक्स्ट्रा चेंजेस आए हैं, उसको ख़त्म करने की सबसे पहले तैयारी तो कर, सबसे पहले बात तो कर कि ये जो नो कॉन्टैक्ट जोन है ये ख़त्म कैसे होगा, ये जो प्रॉब्लम्स है ये ख़त्म कैसे होंगी। चीज़ें आगे बढ़ानी है ना, कि यहीं पे स्टॉप करना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि वाकई में बढ़ाना होगा या करना होगा। मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि ये जो चेंजेस किए हैं, अचानक से जो चेंजेस आए हैं तुम्हारी लाइफ में, इन चेंजेस को ख़त्म करो और अचानक से फिर से एक नया चेंज लो, एक फिर से नया मोड़ लो और फिर से उसकी ज़िंदगी में एंट्री करो, सेवन ऑफ सॉरी चैरियट की एनर्जी से। ठीक है, यानी कि तुम एक्शन लो, डिसीजन लो, बातें करो, क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, हर एक चीज़ जो है ना यहाँ पे क्लियर करके चलते चलो। कि क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं, लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। तो बहुत ऐसा वैसा होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना लाइफ में दिखती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तुम्हारा जो रिश्ता है ये बहुत चीज़ों को मैनेज कर रहा है। रिश्ते में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ स्थिति को लेकर के, कुछ ज़रूरतों को लेकर के आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि यस, रिश्ते को समझने में काफ़ी ज़्यादा तुम लोग को टाइम लगेगा, लेकिन फोकस करोगे तो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, तुम दोनों का जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बता रही है कि तुम रिश्ते में आगे बढ़ो। ठीक है, अपने रिश्ते में तुम आगे बढ़ो, रिश्ते को समझोगे, जानोगे, सब कुछ करोगे तो तुम्हें हर एक चीज़ को वो समझने में काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तुम्हारा जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको तुम सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट, मुझे पता है कि तुम कर लोगे। तुम्हारा जो भी है इशू वो तुम कर लोगे। प्यार चाहिए ना तुम्हें, तो प्यार चाहिए तो तुम्हें ये चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेंगी।
ठीक है, तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को समझना होगा, कुछ चीज़ों को जानना होगा, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सही हो जाए यही ट्राई करना होगा। तुम्हें प्यार से सारी चीज़ों को निकालना होगा, समझना होगा, और कहीं ना कहीं तुम जो प्यार करते हो, ठीक है, प्यार करते हो तो उसका एक्सेप्ट भी करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। दो लोगों में कभी कन्फ्यूज़न में मत जाओ, ठीक है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आओ, अपनी चीज़ों को समझो, जानो, फील करो, महसूस करो कि तुमने क्या किया है और तुमने जो किया है क्या वो राइट है या रॉन्ग है। हर एक चीज़ को वैल्यू करो, समझने की कोशिश करो कि क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ हो रहा है, जिससे तुम्हारी लाइफ भी अच्छी हो सकती है और उसकी लाइफ भी अच्छी हो सकती है। मैं तो यही कहूँगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके बातें करो, ठीक है, मिल के बातें करो, ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है उसमें। मिल के बातें करोगे ना तो ज़्यादा चीज़ें निकल के आएंगी, और मुझे लगता है कि यही चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, जो करना है वो तो तुम करोगे ही करोगे, बट मैं कहूँगा कि तुम जिससे प्यार करते हो नाराज़ कब तक रहोगे, नाराज़गी रखना कोई ठीक नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा है कि तुम रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। तो पाइल नंबर वन, ये जो है आप लोगों के लिए रीडिंग है, पाइल वन, आप लोगों की रीडिंग कितनी रेजोनेट की है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो पाइल नंबर टू, कैसे हैं आप सब? आज जो है आपने चूज़ किया है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये आपकी करंट सिचुएशन को बता रहा है, करंट सिचुएशन को जो है मैं आपसे बताने जा रही हूँ। आपने ये कार्ड क्यों चूज़ किया है तो मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग के साथ साथ आपको प्रिडिक्शन तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ अगर आप रेमेडी की भी चाहत रखते हैं तो वो भी आपको मिलती है, ठीक है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि प्यार में धोखा बहुत खाया है आपने, प्यार में धोखे बहुत मिले हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग हुआ है आपका। आपने लाइफ में बहुत चीज़ें फेस करी हैं, कई बार हो सकता है आपका दिल टूटा हो, कई लोग जो है आपको धोखा दे देते होंगे, सिर्फ प्यार में ही नहीं और भी चीज़ों में आपको धोखे मिलते रहते हैं, चीटिंग्स होती रहती हैं आपके साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रोता हुआ इंसान मुझे दिख रहा है। आप बहुत तकलीफ़ में, आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में जा करके, अब अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में जब से गए हो तब से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पूरी तरीके से बेकार लगने लगी है आपको। आपको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत एंजाइटी स्ट्रेस को फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना अपना पेन जो है भुलाना तो चाह रहे हो लेकिन अपना पेन जो है भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है। मुझे आप दोनों के बीच में एक पेनफुल सेपरेशन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ने जैसा भी किया, जो भी किया, लेकिन सेपरेशन आप दोनों का हो चुका है, और इस सेपरेशन की वजह से आपको कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है, आपके पार्टनर को कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है, ये आपको जो है आपको ही पता है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि रिजेक्शन जैसे ही मिला आपको, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि जैसे प्यार पहले अच्छा चल रहा था वो प्यार कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है आपकी लाइफ से। अब ऐसा लगता है कि आपने कहीं अपने पार्टनर को जो है ना खो दिया है, आपको ऐसा लगता है, आपको लॉस हो रहा है, फाइनेंस करियर में भी काफ़ी लॉसेस आपने सह लिया है, काफ़ी बर्दाश्त कर लिया है आपने। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ब्रेकअप के बाद आप अभी तक अपने आप को जो है मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आप अपने पार्टनर का अभी भी इंतज़ार कर रहे हो कि आपका पार्टनर आएगा और आपसे बातें करेगा, आपके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, आपके साथ बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता जो है ये पर्सन बनाएगा, ठीक है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। चलिए देखते हैं कार्ड्स, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, ओके, आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे? ओके, चैरिट की एनर्जी आई है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, द स्टार की एनर्जी है। स्ट्रेंथ, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस की एनर्जी। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या बातें हुई, मतलब आपके पार्टनर और उनके दोस्त के बीच में क्या बातें हुई हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, सबसे पहले तो ये पर्सन सबसे पहले बातें कर रहे हैं रियूनियन की, आप दोनों के बीच की एनर्जी की। आप दोनों के बीच में जो भी है सेपरेशन हो चुका है, लेकिन अब ये सेपरेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। अब जो है ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपके साथ, आपको जो है आपके साथ आपका जो रिश्ता है वो बनाना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से निभाने की चाहत मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि टेम्परेंस का कार्ड जो कि बता रहा है कि मैं इस रिश्ते को समझना चाहती हूँ या मैं इस रिश्ते को जानना चाहती हूँ, है ना, ये वाली एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपका जो रिश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है ना बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार सेपरेशन बहुत हो गया, सेपरेशन बहुत 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 ज़्यादा हो गया, अब मुझे सेपरेशन नहीं चाहिए, अब मुझे अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहिए, अब मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ बैलेंस बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरा गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मैं अपने गुस्से को शांत रख करके एनर्जी को बैलेंस करना चाहता हूँ, एनर्जी के साथ है ना चलना चाहता हूँ, मैनेज करना चाहता हूँ। मैं अपने आप के साथ अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरती से है ना चेंज करना चाहता हूँ। मेरा जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है, ठीक है, लेकिन मैंने जो है ना इस रिश्ते को खो दिया है, मेरा रिश्ता जो है ना बेकार सा हो गया है, मेरे रिश्ते में चीज़ें जो है ना बेकार सी हो गई हैं, मैं क्या करूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में कहीं ना कहीं अपने आप के साथ अपने रिश्ते को नहीं जो है आइडेंटिफाई कर पा रहा, लेकिन हाँ मैंने उसे जितना भी ऑब्जर्व किया है मुझे इतना तो समझ में आया है कि वो बहुत मैच्योर है, बहुत ही हाई एनर्जी है उसकी, इतनी एनर्जी हाई है कि मैं शायद उसके साथ मैच ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ मुझे जो है ना उसकी नज़रों में माफ़ी मिल जाएगी, मुझे उसकी नज़रों में जो है ना वो क्लैरिटी मिल जाएगी जो क्लैरिटी मुझे चाहिए, ठीक है। मैं अपने आप के साथ जो है ना चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ, और मुझे पता है कि वो शांत सी रहती है, शांत सा रहता है, लेकिन ठीक है उसकी जो लाइफस्टाइल है, जो भी मैंने उसको देखा है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, उसकी लाइफस्टाइल हो या उसकी फाइनेंशियल जो है स्टेटस है वो हो, ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि यार ये बहुत ही अच्छी एक टीचर बन सकता है या बन सकती है। मुझे ना उसके साथ बैठ करके ऐसा लगता है ना कि वो एक मेंटर है और मुझे वो गाइड कर रही है, मुझे इतना पॉजिटिव फील होता है, मैं क्या ही कहूँ। स्टार की एनर्जी है, उसके साथ बैठ करके लगता है कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ, वो एक स्टार की तरह मुझे लगता है या लगती है, क्योंकि मुझे ना वो सच में इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना या करता है कि मतलब उसके साथ बैठ के बहुत ही अच्छा फील होता है। उसके उसको पाने के लिए अब मैं जो है ना सपने देख रहा हूँ, मैं उसको पाने के लिए जो है ना मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन की अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ यार, मैं पागल सा हो गया हूँ, मैं पागल सा हो गया, पूरी तरीके से बावला सा हो गया हूँ कि भाई मुझे जो है ना ये पागलपन जो है ना उसके साथ चाहिए, मुझे उसके साथ पागल होने का है, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप बनाने का है, कुछ भी हो मुझे उसके साथ रिश्ता बनाना है तो बनाना है, मैं इतना जानता हूँ। मैं ना बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, बहुत ही कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत ही कंट्रोल करके जो है ना मैंने डिसीज़न लिया है, मैंने बहुत ही कंट्रोल करके जो है ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके अपने आप के साथ चीज़ों को मैनेज करना सीखा है, ठीक है। मैं इस तरीके से चीज़ों को नहीं सीखता, लेकिन मैंने सीखा है उसके साथ रिलेशनशिप में आकर, मैंने जाना है कि यार लोग ग्रुप में कैसे काम करते हैं, कैसे बातें करते हैं, किस तरीके से जो है ना काम किया जाता है, मेरा उसके साथ बैठ करके बातें करना है, ऐसा लगता है कि जैसे यार मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे स्ट्रांग जो है ना मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं दूसरों से की जेलसी से मैं परेशान नहीं होऊंगा, दूसरों की बातों से मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगता हूँ उससे बात करके, पता नहीं उसमें क्या है।
बट मुझे लगता है कि हाँ यार परफेक्ट तो है, वो परफेक्ट है, पूरी तरीके से परफेक्ट है। ठीक है, हो सकता है मेरे में कुछ कमी हो, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं है। मुझे तो लगता है कि भाई उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, मेरे अंदर ही कमियां हैं, और कहीं ना कहीं मैं जो है ना अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो है ना बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ऐसा जो है ना ऐसा मैंने सीखा है कि लोगों के साथ जब लोग टीम वर्क करते हैं तो लोग किस तरीके से कन्फ्यूज़न को जो है ना बढ़ाते हैं, लेकिन उसने मेरे सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब से उसके साथ सेपरेशन में गया हूँ तब से मन नहीं लगता, मतलब अजीब सा फील होता है, लगता है कि कुछ है ही नहीं जीवन में, कुछ है ही नहीं, जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में अधूरा सा हूँ, अधूरापन मुझे बर्दाश्त नहीं होता, खालीपन सा लग रहा है। अब ये खालीपन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे जो है ना जो भी करना है वो मुझे जो है ना करना है, मुझे जो है ना जानना है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वो चीज़ें मुझे जानने का है, मुझे जानने का है, मुझे समझने का है, मुझे कहीं ना कहीं अपने आप के साथ रिश्ते को बहुत स्ट्रांग बनाने का है, मैंने यही सोचा है। तुम्हारा क्या कहना है? तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन का क्या कहना है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या कहना है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है? एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह क्या बात है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एक तरीके की ऐसी एनर्जी जहाँ पे मैं देखूँ तो यस ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि देख यार तू न्यू बिगनिंग करना चाहता है तो न्यू बिगनिंग करना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तू न्यू बिगनिंग करना चाहता तो न्यू बिगनिंग कर, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं तो खुश हूँ। ठीक है, तू जो है उससे शादी भी करना चाहता है, इसमें भी मेरी खुशी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तू शादी करने को रेडी है। तू तू जो है ना हर तरीके की चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, तू बहुत ही पॉजिटिव है, तू बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तू स्टैंड ले रहा है, चीज़ों को मैनेज कर रहा है, रिश्ते को मैनेज कर रहा है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, हर एक तरीके से तू चीज़ों को लेकर के मैनेज कर रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने सोचा है कि मैंने जो देखा है मैंने जो जाना है मुझे लगता है कि ठीक है तू सही राह पे है, तू सही चीज़ों को कर रहा है। ठीक है, तू रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस कर रहा है। ठीक है, फाइव कप्स, मैं जो है ना अकेला बहुत ज़्यादा तुझे नहीं देख सकता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि तू इतना ज़्यादा उदास उदास क्यों है, इतना परेशान परेशान क्यों है। मैंने देखा था तेरा चेहरा, बड़ी उदासी वाली, बहुत रिग्रेट वाली तेरी जो फेस थी वो थी। एंड अब जो है मुझे लगता है कि अब जो है तुझे सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो भी तेरे साथ हुआ, जो भी तेरा उसका कनेक्शन जो भी रहा, वो कहीं ना कहीं जिस लेवल पे था उस लेवल से हट करके तूने जो है अपने आप के लिए जो है स्टैंड लिया या डिसीजन लिया, वो बहुत अच्छी बात करी तूने कि फाइनली तूने जो है अपना रिग्रेट वाला या फिर कहे तो जो दिल टूटने वाली बात थी, जो दिल टूटा जिस तरीके से दिल टूटा, वो कहीं ना कहीं तूने उससे जो है ना अपना रास्ता साफ कर लिया है ना, और फिर से जो है ना एक तरीके से फिर से तू उसी के साथ जाने के लिए काफ़ी टाइम के बाद तू रेडी हुआ। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था तेरा चेहरा एकदम से उदास पड़ा हुआ था, एकदम परेशान परेशान लग रहा था, जैसे मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है ना, कि इस तरीके से ये जो है ना कर रहा है या कर रही है, क्योंकि मुझे लगता था कि तेरा उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रहा है, काफ़ी सही वे में जो है रहा है। कहीं ना कहीं तू धीरे 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 अपने रिश्ते को सही करना चाहता है, अपने रिश्ते में जो है ना सही करती हुई चीज़ें जो है ना दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अपने आप के साथ जो है ना
अपने आप के साथ जो है तूने जो भी किया ठीक है वो बहुत सही किया है। मुझे लगता है कि हाँ तुझे क्लैरिटी मिल गई, तुझे क्लैरिटी मिल गई है। क्लैरिटी ज़रूरी है ना तुम्हारा रिलेशनशिप सही होने के लिए, तुम्हारा रिलेशनशिप सही करने के लिए क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्लैरिटी तुम्हें मिल गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तुम्हें ये समझ में आ गया कि हाँ तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, कैसे करना है तुम्हें, है ना। तो तुम क्लियर हो, तुम आज़ाद हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेकर के बहस करने से अच्छा है कि हाँ तुमने अपने लाइफ का वो डिसीज़न लिया है जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम अपने पार्टनर को जानते हो, वो कैसा है, कैसी है, कितना ज़्यादा जो है उसकी एनर्जी अच्छी है या निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये तुम जानते हो, दूसरा कोई तो नहीं जानता ना। तो अच्छा है तुम जो है उसके साथ जा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट, तुम जाओ उससे बात करो और रिलेशनशिप को ठीक करो। मेरा तो मानना यही है कि रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। रूठे हुए भी मान जाते हैं ठीक है, और माने हुए भी रूठ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लो ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग आप लोगों को, एंड कितना रेजोनेट करी है पाइल टू आप लोगों को, ये ज़रूर बताइएगा। जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।